नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, विटामिन से संबंधित। मेरा इससे पहले एक वीडियो मैंने लोड कर दिया है, उसमें भी कुछ प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, आपने देखे होंगे। नहीं देखे हों तो देख लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर एक है, इसमें विटामिन शब्द को किसने दिया था? इसका विटामिन शब्द को किसने दिया था? इसका आंसर है फोक ने 1911 में। प्रश्न नंबर दो है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्शफेरॉल। विटामिन ई का, ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ई की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता। प्रश्न नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का जमना, यानी विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो है रक्त का थक्का ना बनना। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? बी विटामिन 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर है कोबाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर है यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। मछली के तेल में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन डी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक मात्रा में विटामिन डी लेने से क्या नुकसान होता है? अधिक मात्रा में अगर विटामिन डी हम लेते हैं तो क्या नुकसान होता है हमारे शरीर पर? इसका आंसर है जैसे भूख की कमी, यानी भूख ना लगना, बार बार पेशाब आना और हार्ट अटैक की खतरा, यानी हार्ट अटैक का संभावना बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कितना खाना चाहिए? हमें विटामिन कितना खाना चाहिए? तो इसका आंसर है, अनुशंसित आहार भत्ता के अनुसार जन्म से 6 महीने तक की उम्र में हमें 400 IU विटामिन लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, 1 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक जो है हमें 600 IU विटामिन डेली लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 से 18 वर्ष तक हमें 600, यानी नेक्स्ट टाइम जो है ऑल टाइम हम 600 IU डेली के हिसाब से विटामिन हमें लेना प्राप्त करनी चाहिए हमारे संतुलित भोजन में। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और धन्यवाद।